असलम डियर व्यूवर्स आई एम शाह वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आज हम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के हवाले से बात करने जा रहे हैं स्टेट यूनिट विद मी फॉर द सेक सिंपल सिटी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लो कंसेप्ट ए प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फ्लो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताते चलूँ वॉट डज एक्चुअली प्रोडक्शन फंक्शन मीन इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट नाउ ए प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फ्लो कंसेप्ट ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये फ्लो कंसेप्ट होता है किसका फ्लो इट इज़ रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ इनपुट यह फ्लो ऑफ इनपुट होता है इनपुट होता है रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ आउटपुट यानी कि यह फ्लो ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स होता है जब हम हमें कुछ आउटपुट चाहिए तो हम हमें इनपुट का देना लाजमी होता है तब जाकर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा यही हमें बताता है इट इज़ रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ़ इनपुट्स रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ आउटपुट जब हम कुछ इनपुट देते हैं किसी चीज़ का कुछ इनपुट देते हैं तभी जो रिजल्ट आता है हमारा नतीजा जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं आउटपुट सो इट इज़ अ फ्लो ऑफ इनपुट्स एंड फ्लो ऑफ ट इज़ रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ इनपुट्स रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ आउटपुट्स ऑफ ए कमोडिटी ज्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ये थी पहली प्रॉपर्टी नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हैं फिजिकल कंसेप्ट फिजिकल कंसेप्ट हमें क्या बताता है इट इज अ प्रोडक्शन सॉरी ए प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स यह जो फिजिकल कंसेप्ट है यह हमें बताता है प्रोडक्शन फंक्शन जो है यह टेक्निकल रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है स्टेट मी फॉर द सेक ऑफ सिंपल सिटी स्टेट मी मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताते चलूँ फिजिकल कन्सेप्ट ए प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है यह टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन किन की होती है किन के दरमियान टेक्निकल रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट्स के दरमियान ये टेक्निकल रिलेशनशिप होती है और एक्सप्रेशन अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं यह एक्सप्रेस होती हैं फिजिकल टर्म इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स सच एज सूपी और डॉलर फिर से आप लोगों को बताते चलू इट इज एक्सप्रेस इन फिजिकल टर्म्स फिजिकल टर्म्स के जरिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ मोनिट्री यूनिट्स मोनिट्री यूनिट्स के जरिए हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सच एज रुप और डॉलर ये इन चीज़ों का मानिया नहीं रखते हैं मोनिटरिंग यूनिट्स का ये मानिया नहीं रखते हैं लाइक रुपये और डॉलर इसके जो ये इसकी जो एक्सप्रेशन है वो होनी चाहिए फिजिकल टर्म्स इसी फिजिकल टर्म फिजिकल टर्म्स के जरिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ये थी पहली दूसरी प्रॉपर्टी अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेट टूनोम फॉर द दफ़ सिम्पल सिटी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को बताते चलूँ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें क्या बताता है प्रोडक्शन फंक्शन जो है डिपेंड होता है किस पर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डिपेंड होता है अगर टेक्नोलॉजी ओवरडेट होगी तो हम हमारी जो प्रोडक्शन है सही तरीके से नहीं होगी यानी कि हमें बहुत सारे इनपुट्स देने होंगे या तो बहुत सारे लेबर्स देने होंगे और हमारा जो आउटपुट आएगा कम आएगा इसीलिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म जो फर्म की जो प्रोडक्शन है वो होता है वो क्या बताता है फर्म जी क्यों फर्म की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड होता है किस पर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर और इनपुट्स पर होता है यह था आज का मोजो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा